एक रशियन हैकिंग ग्रुप है जिसका नाम है ईविल क्रॉप, जिन्होंने दुनिया भर में 100 मिलियन यूएस डॉलर की हेर फेर की है, कई बैंक्स को लूटा है, कई इंस्टीट्यूशंस को लूटा है और कई ऐसी जगहों को लूटा है जहां पर कुछ फाइनेंशियल वर्क हुआ करता था। दरअसल इनका काम ये होता था, या तो ये सीधा सा हैकिंग कर देते थे या फिर डिडेक्स नाम का एक मालवेयर इन्होंने बनाया था जो कि उनके सिस्टम में डाल दिया करते थे इंटरनेट के थ्रू या किसी भी तरीके से। एक बार उनके सिस्टम में गया तो मतलब उनकी जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसका ये रूट ही चेंज कर देता था। ये बेसिकली होता क्या था कि अगर कोई बंदा पेमेंट करता था किसी और को तो वो उसके पास ना जाके डायरेक्ट इन हैकर्स के अकाउंट में चली जाती थी। इस ईविल ग्रुप के दो मेंबर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शातिर है, जिनका नाम है मक्सिन याकुबेस और इसी के साथ साथ इगोर त्रुसहेव, जिनको पकड़वाने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने करीबन 5 मिलियन यूएस डॉलर की बाउंटी रखी है, जो होते हैं इंडियन करेंसी में करीबन 35 करोड़ रुपए। और अगर इनकी इंफॉर्मेशन या फिर इनको पकड़वाने में कोई इंसान मदद करता है तो ये पैसे उनको दे दिए जाएंगे। और इसी के साथ साथ FBI की मोस्ट वॉन्टेड साइबर क्रिमिनल की लिस्ट में इनका नाम भी शामिल हो चुका है। फिलहाल के लिए मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे देखो इसको, आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि एक एस्टेरॉयड धरती के बहुत ही करीब से निकला था। हालांकि दूरी लाखों किलोमीटर की थी, लेकिन साइंटिस्ट ने बोला कि भैया बहुत करीब से निकला है, ऐसे ऐसे कर लो। लेकिन अभी पता है क्या है कि 13 और ऐसे एस्टेरॉयड निकलने वाले हैं धरती के पास से इस दिसंबर महीने में, जिसको बोला जा रहा है इट्स रेनिंग एस्टेरॉयड इन स्पेस, जिसकी वजह से भैया ये पास से गुजरेंगे। लेकिन ये पास कोई लाखों किलोमीटर की दूरी होगी तो टेंशन नहीं लेनी अपने को। दोस्तों आप सभी को याद होगा चंद्रयान 2 मिशन, जो कि आपको जगा गया रात के 2 बजे तक और आप देखते रहे कि अब ये लैंड होगा, लेकिन मिशन गड़बड़ा गया, वहाँ पे विक्रम लैंडर लैंड नहीं हो पाया। लेकिन ऑर्बिटर तो ऑर्बिट कर रहा है अभी भी, लेकिन आपका चंद्रयान 3 अब तैयार हो रहा है, जो कि 2020 के एंड में आप दोबारा से देखोगे लॉन्च होता हुआ और इसी के साथ साथ लैंड होता हुआ। एक और कोशिश की जाएगी इसको सक्सेसफुल लैंड कराने की चांद के उसी हिस्से पर जहां पर नहीं हो पाया था। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इंटरनेट के ऊपर बच्चों को लेकर जो रूल्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, पॉलिसीज है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जा रही हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि टिकटॉक को बैन कर दिया था, जिसके बाद में उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज किया, जिसके बाद में उन्हें अप्रूवल मिला इंडिया के अंदर। और इसी तरीके से जैसा आपको मालूम होगा कि यूट्यूब के ऊपर लॉ सूट फाइल कर दिया गया था, जहाँ पर उन्हें 170 मिलियन यूएस डॉलर का हर्जाना देना पड़ गया था, क्योंकि बच्चों को लेकर कुछ ऐसी वीडियोज़ वगैरह थी यहाँ पर। लेकिन अब इन्होंने भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रूल वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया और भी ज्यादा मजबूत कर दी, मतलब गुंजाइश नहीं छोड़ी हल्की सी भी गड़बड़ी की। लेकिन अब iOS के अंदर भी एक ऐसी अपडेट आने वाली है आपके iPhone के लिए, जहां पर iOS पेरेंटल कंट्रोल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। जो बच्चे हैं जो देर देर रात तक जगे रहते हैं, अब अगर उनके माँ बाप चाहें तो उनकी एक्सेस आईफोन के ऊपर लिमिटेड कर सकते हैं। मतलब वो अगर चाहे कि आप किसी से बात करते हो और उससे ज़्यादा बात ना करो, तो वो एक टाइम सेट कर देंगे कि ये इससे इतने मिनट ही बात करेगा, इस टाइम पीरियड के अंदर ही बात करेगा, रात को बात नहीं करेगा, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, चाहे वो वॉइस कॉल के ऊपर हो, फेस टाइम के ऊपर हो या मैसेज के ऊपर हो। और बेसिकली ये शायद इसी वजह से लाया गया है कि जो बच्चे रात रात भर जगे रहते हैं, बातें बातें करते रहते हैं, तो शायद उनके लिए ये देख के iOS ने ये नई अपडेट ला दी है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जिंदा हाथी लाख का, मरा तो सवा लाख का, मतलब मरे हुए की भी वैल्यू है। अब इसी तरीके से आपको मालूम होगा कि एप्पल का स्टीव जॉब एडिशन आईफोन आया था, जिसके अंदर उनके कपड़े का एक टुकड़ा था, तो वो लाखों में बिक रहा था, मतलब 4-5 लाख का बिक रहा था। अब इसी तरीके से एक ऑक्शन हुआ है स्टीव जॉब सिग्नेचर्ड फ्लॉपी डिस्क का, जो कि अब चलन में वैसे तो है नहीं, लेकिन फ्लॉपी डिस्क फिर भी अगर आप लेने जाओगे तो ले देके कोई आपको 300 रुपये की पकड़ा देगा। लेकिन क्योंकि स्टीव जॉब्स का सिग्नेचर था तो ये भी की ऑक्शन में करीबन 84,000 US डॉलर की, जिसको इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करते हो तो होते हैं करीबन 60 लाख रुपये। अब मेरे ख्याल से गनीमत ये है कि कोई उस कबर को ना खोद डाले जहाँ पर स्टीव जॉब्स को दफनाया हुआ है, कि बाल निकाल के ये कह रहे ये स्टीव जॉब्स का बाल है, ले 1 करोड़ में। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। हालांकि वीडियो शायद छोटी रह गई हो, लेकिन टाइम कम था, लेट हो गया, इस वजह से शायद 1-2 और चीज़ें ऐड नहीं कर पाए, लेकिन अगले दिन करेंगे। फिलहाल के लिए
अगर इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।